चुनाव, आइए जानते हैं। सबसे पहले अभिवादन रहता है। अभिवादन हम अपने से छोटों को भी करते हैं और बड़ों को भी। छोटों को करते समय हमें प्रिय मित्र, आयुष्मान, प्रियवर, मेरे प्यारे जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और अपने से उम्र में बड़ों के लिए हम आदरणीय, पूजनीय और श्रीमान, महोदय जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अभिनिवेदन यानी पत्र के अंत में हम अपने से छोटों के लिए प्रिय मित्र, शुभचिंतक जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अपने से उम्र में बड़ों के लिए आज्ञाकारी, विश्वास पात्र जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज के पत्र का हमारा विषय है, अपने मित्र को उसके पिता के स्वर्गवास होने पर संवेदना पत्र लिखें। आइए पहले पत्र के अंग के बारे में जान लें। सबसे पहले पत्र लिखते समय पत्र प्रेषक यानी पत्र लिखने वाले का नाम एवं पता रहता है। उसके बाद दिनांक यानी तिथि, और उसके बाद संबोधन, अभिवादन, उसके बाद पत्र का मुख्य विषय और अंत में अभिनिवेदन। आइए जानें पत्र भेजने वाले का पता किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले मकान नंबर, गली, शहर, मोहल्ले का नाम और तिथि। आइए पत्र की शुरुआत करते हैं अभिवादन के साथ। प्रिय मित्र सोमनाथ, आपका पत्र मिला, यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि तुम्हारे पिताजी का निधन हो गया है। यह मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अभी कुछ दिन पहले ही तो उनसे मिलना हुआ था, तब वे बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। विधि का विधान भी बड़ा विचित्र है। उनके व्यक्तित्व, सज्जनता व परोपकार से सभी प्रभावित थे। मेरे पिता ने भी अपना एक प्रिय मित्र खो दिया। उनके निधन से आपके परिवार को ही हानि नहीं हुई है, अपितु पूरे समाज को हानि हुई है। लेकिन काल के आगे सब असहाय और विवश हैं। उसकी शक्ति से कोई नहीं बच सकता। धैर्य के अतिरिक्त दूसरा कोई उपचार नहीं है। हम सब तुम्हारे इस अपार दुख में सम्मिलित होकर संवेदना प्रकट करते हैं। अपने छोटे भाई व माता जी को तुम्हारे सहारे की आवश्यकता है। धीरज से काम लेना। ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि वे तुम्हें इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और स्वर्गीय आत्मा को शांति दे। पत्र का अभिनिवेदन, तुम्हारे दुख में दुखी तुम्हारा मित्र रमेश। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कुछ इस तरह से रहेगा, देख लें अच्छी तरह से। एक नए पत्र के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।